नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करें कि डॉक्टर बोलता है कि अगर इमरजेंसी में हार्ट अटैक आए तो आप एक मेडिसिन होती है जिसको जीभ के नीचे रख लीजिए जिससे आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, उसी मेडिसिन की बात करें कि उस मेडिसिन का नाम क्या है और वो किस प्रकार यूज़ करती है, किस प्रकार हमारे शरीर में काम करती है। उसका नाम है सोर्बिट्रेट 10 mg आती है, उसको आइसोसोर्बिट्रेट भी बोलते हैं। नाइट्रेट मेडिसिन होती है जिसका काम क्या होता है कि आपकी ब्लड की जो वेसल्स होती है उनको वो डायलेट करती है और ब्लड के क्लोट को होने से रोकती है और कुछ टाइम के लिए आपको आराम दिलाती है कि आपको हार्ट अटैक ना आए, ब्लड प्रॉपर पहुंच जाए, ऑक्सीजन मिल जाए ब्लड को, तो आपका ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा तो उससे हार्ट अटैक में आराम मिलेगा। उसको एंजाइना अगर होता है तो उसमें भी बहुत फ़र्क पड़ता है, आपको अगर दर्द हो रहा हो चेस्ट में उसमें भी आराम आता है। लेकिन एक इसकी साइड इफेक्ट ये भी है, अगर आपका बीपी कम रहता हो तो ये मेडिसिन लोगे तो उससे आपका बीपी और ज़्यादा डाउन चला जाएगा, तो हो सकता है पेशेंट की डेथ उसकी वजह से भी हो सकती है। तो पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि आपके पेशेंट का जो बीपी है वो ज़्यादा रहता है या कम रहता है। अगर ज़्यादा रहता है तो आप ये मेडिसिन दे सकते हो, अगर कम रहता है तो ये मेडिसिन मत दीजिए। अगर हार्ट का पेशेंट है तो डॉक्टर से एक बार बात ज़रूर करिए पहले कि पेशेंट की कंडीशन में अगर इमरजेंसी हो जाए तो हम क्या दें, ठीक है। ये जरूरी बात है जो ध्यान देने योग्य बातें हैं, इमरजेंसी मेडिसिन कोई भी दे सकता है लेकिन ध्यान दें। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए। नमस्कार दोस्तों।